हम चल रहे हैं जौ खिलाने बकरियों को। आज आप लोग को लेके आएंगे जौ खिलाते हुए, दिखाएंगे आप लोग को। बहुत मेहनत है भैया, बहुत मेहनत है, कहाँ बतावल जा भाई। चल अच्छा, फिर भी चल रहा है, क्या किया जाए। यही हमारा स्टोर रूम है, आप लोग देख ही रहे हैं। और इसी में जौ है, बरसिंग है, घास है, सब कुछ इसी में है, जो कि इसी में से डालना है और खिलाना है। तो आइए वीडियो में बने रहें, आप लोग को दिखाते हैं। ऐसा है कि जौ डालने अब चल रहा हूँ, जो कि एक बाल्टी ले चुका हूँ। और ये लोग के लिए थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है बकरी, बाकी सब बच्चा दे चुके हैं। ये जो बकरियाँ दिखाई दे रही है, शायद दिखाई दे रही हो, तो ये लोग अभी बच्चा नहीं दिए हुए हैं। तो ये लोग को एक बाल्टी अभी मेरे ख्याल से 20-25 के करीब में हैं, जो कि डालेंगे। और देख सकते हैं ये डाल रहा हूँ, जो यही है अपना। और बाकी बच्चा दिया हुआ अलग अलग अभी बंद है, वो लोग को अलग से खिलाया जाता है, वो लोग को थोड़ा ज़्यादा ही खिलाया जाता है, कम नहीं। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, बाकी सब इधर भी बकरी हैं, इधर भी आप लोग को दिखाएंगे। और जो है सो है, तो यानी इतने बकरी में अभी 70-60 के करीब में हैं। तो एक बोड़ी 50 किलो की आती है, जो कि एक बोड़ी खिलाया जाता है। और बाकी जो बच्चा दी हुई है वो अलग हैं, वो सब मिला के 120 के करीब में हैं। तो वो लोग को पहले बंद कर दिया गया है, ढंक दिया गया है खिला पिला के। बाकी ये लोग को अब खिलाया जा रहा है, ये लोग को भी थका ही जाएगा। शाम का टाइम है, अंधेरा हो रहा है, सूरज डूब चुका है। और समझ के चलें कि भाई ये जल्दी, अभी ठंड का मौसम है, तो जल्दी जल्दी खिला पिला के अपना बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे आप लोग को दिखाएंगे ढका जैसे जाता है, कैसे कैसे ढका जाता है ठंड में। यहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था टंच वाला काम नहीं रहता है, हल्का फुल्का काम रहता है, लेकिन आमिल को मेहनत ज़्यादा करने वाला काम रहता है। रोज़ उतारो, रोज़ लगाओ। और आइए इधर का भी जो खिलाते हैं आप लोग को दिखाते हैं, जो ये बकरी है ये लोग को भी दिखाते हैं खिलाते पिलाते। और इसके बाद कैसे कैसे लगा है वो भी दिखाएंगे आप लोग को बैक कैमरा से। वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें। बाकी ये तो देख ही रहे हैं, इसी बाल्टी से निकाल के एक बाल्टी दिया हूँ, नहीं तो यानी दो बोड़ी एक दिन में 120 बकरी पे दो बोड़ी एक क्विंटल जौ लग जाता है। तो आइए इधर आप देखिए दोस्तों, पहले इसको साफ कर लें, और करने के बाद फिर हम डालते हुए दिखाएंगे आप लोग को। यानी समझ के चलें कि भाई ऐसे ही खिलाया जाता है, बाकी तो जो है सो हई है। और ठंड का मौसम है तो सुबह में खजूर भी खिलाया जा रहा है, और शाम को जो बाकी टाइम चराई पे रहती हैं बकरियां, आप लोग को मालूम है कि हम लोग चराते भी हैं भाई। एक जगह वाला काम नहीं है, सिस्टम नहीं है। एक जगह वाला सिस्टम रहता तो थोड़ा आराम रहता, लेकिन एक जगह वाला सिस्टम नहीं है भाई, इसके लिए इतना मेहनत करना पड़ जाता है। तो आप लोग देखें, ये सब पलटी हो चुका है, अभी सब साफ हो गया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि ये सब खाद है, जो मैगनी बकरी का होता है वही है। इसके लिए यहाँ पे साफ अपने यहाँ जैसा नहीं रोज़ साफ होता है, ना ही रोज़ यहाँ गीला होता है कि गीला रहे ज़मीन। यहाँ सब वही सूखा सूख जाता है, 24 घंटा में एकदम सूख के मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, 25 साल से यहाँ पे बकरी पालन हो रहा है, और 25 साल से यहीं पे बकरियाँ हैं, वो भी नहीं कि कहीं दूसरी जगह हटके गई हैं, नहीं यहीं पे 25 साल पुराना ये गोट फार्मिंग है जो कि हो रहा है। तो ये देख सकते हैं डालना चालू कर दिया हूँ, और अभी बकरियों को खोलेंगे डालने के बाद, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। भैया बड़ा मेहनत है, हालत ख़राब हो जाता है, 50-50 किलो की बोरी उठा के डालना फेंकना ऐसे ही जाता है, फेंका फेंकी होते रहता है। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करते रहिए, और थोड़ा बहुत गलती हो जो उसे माफ़ भी करते रहिए दोस्तों। और यह देख सकते हैं अभी ये डाल चुका हूँ, क्या किया जाए भाई, वो भी अपना हिल रहा है,
जैसे मालूम पड़ रहा है झुलुआ में है, झूला उला में वैसे। तो अभी बकरियों को खोलेंगे हम, वो तो बकरियां आएंगी खाएंगी। आप लोग तो देख ही चुके कि दिखा देंगे जौ भी, और ये दिखाते हैं तो देख सकते हैं यही जौ है जो कि एक बोड़ी फेंक दिया गया है, समझ सकते हैं डाल दिया गया है और ऐसे सब में है। आप देख सकते हैं भाई, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, अपना थोड़ी खिला रहे हैं कि झूठ बोलें, सब जो है सच्चाई है। और इधर देख सकते हैं यही ऐसे ही लगाया जाता है, ढका जाता है, ऐसे ही सब पे ढका हुआ रहे मिलेगा आप लोग को। बाकी ये सब लग चुका है, अभी इधर सब बाकी है जो कि ये बकरियाँ खा लेंगी। खाने के बाद तो फिर उधर भी जाएंगी, ये भी उधर ही जाके अपना बंद होंगी वो साइड में उधर। तो आप देख सकते हैं उधर दिखाई दे रहा है पेड़, वहाँ पे बंद होगी। तो आइए खोलते हैं दोस्तों, और यहीं पे वीडियो को भी अंत कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना दोस्तों। जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना दोस्तों।